एक सेलर का सबसे बड़ा डर होता है कि उसकी शिप किसी तूफान में ना फंस जाए, एंड आज हमारे साथ कुछ वैसा ही हुआ। मेरा नाम है जेसी एंड मैं हूँ थर्ड ऑफिसर मर्चेंट नेवी में। बीच समंदर में जब हमें तूफान का सामना करना पड़ता है तो शिप का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। शिप एक साइड से दूसरी साइड इतना रोल करती है कि सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। सारा सामान इधर से उधर गिरने लगता है एंड ये हमारी शिप के कैप्टन का ऑफिस का हाल है। सारी फाइल्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शेल्फ से निकल के नीचे गिरी हुई थी। इतने बैड वेदर में बाहर डेक पे काम करना इज ऑल्सो नॉट सेफ, इसलिए रफ वेदर में कोई भी शिप के एकोमोडेशन एरिया के बाहर नहीं जाता। बाहर विंड स्पीड की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 नॉट्स टच हो रही है, मतलब कि 90 किलोमीटर पर आवर। एंड ऐसी कंडीशन में कुछ मेरे जैसे लोग सी सिक फील करते हैं एंड कुछ रोलिंग की वजह से सो नहीं पाते। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए वाइपर्स का यूज भी कंटिन्यूसली करना पड़ रहा था। तभी कहते हैं मर्चेंट नेवी इज अ डिमांडिंग प्रोफेशन एंड शिप पर लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं होती। शेयर करो ये रील एंड टैग करो जो भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है।